नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सिविल और मैकेनिकल विद्यार्थियों के लिए स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, जिसको कि सोम या मॉस भी कहते हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक नए चैप्टर को, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जितना भी मैं पढ़ाते जा रहा हूं, आप उसका नोट्स बना रहे होंगे, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। नोट्स बनाने के आपके दो फायदे होंगे। पहले तो आपकी राइटिंग ठीक हो जाएगी, जब आप अपने से लिखेंगे, ठीक है, अपने से लिखेंगे तो आपको याद भी होगा, ठीक है। आप जितना भी छोटे छोटे टॉपिक, मैं 15 से 20 मिनट का एक वीडियो बनाता हूँ, ताकि एक दिन में आप उसको लिख भी सके, उसको याद भी कर सके। अगर आपको कोई भी ऐसा बिंदु है या ऐसा पॉइंट है जहां पर भी नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट कर देंगे, या आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, आपको डिस्क्रिप्शन में या आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वहां से आप व्हाट्सएप पर उस प्रश्न को या डाउट को भेज देंगे, तो मैं उसको आपको वीडियो के रूप में या आपको सॉल्व करके मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग चैप्टर का नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। अब क्योंकि हम सिविल हो या मैकेनिकल, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी न किसी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, तो उस स्ट्रक्चर में, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर पर हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, लोड आते हैं, ठीक है। अब लोड आते हैं जब किसी भी धरन पर, यहां पर मेन हम क्या पढ़ेंगे, बीम के बारे में। बीम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर कोई भी संरचना है इस प्रकार से, पहले चैप्टर का नाम क्या है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो हम लोग किसी स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, अगर जैसे ये संरचना है, अब इस पर, क्योंकि अब संरचना है तो इस पर भार आएगा, ठीक है, इस पर लोड आएंगे। अगर जब इस पर लोड आएगा तो क्या होगा, अब देखेंगे कि जैसे कोई भी अगर संरचना है, इस पर अगर ऐसे लोड आता है तो बेंड हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें बेंड होगा, इस प्रकार से जब लोड आएगा तो इसमें क्या होगा, बेंडिंग होगी, ठीक है। जब बेंडिंग होगी इसमें, तो इस बेंडिंग के कारण इसमें शियर फोर्स भी उत्पन्न होता है, कर्तन बल भी उत्पन्न होता है। इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, यानी इस भार के कारण इस संरचना में शियर फोर्स कितना उत्पन्न हो रहा है, कितना कर जो है कि नमन घूर्ण उत्पन्न हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट उत्पन्न हो रहा है, इसी को हमें पढ़ना है। क्योंकि अब संरचना को हमें विफलता से रोकने के लिए, इस संरचना को हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों के प्रति हमें मजबूत बनाना होगा। जब तक कि हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का मान निकालना नहीं सीखेंगे, तब तक हम इसका विकल्पन नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी संरचना का निर्माण करने से पहले हम उसका शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट जरूर निकालते हैं। तो यह आपको सेकेंड ईयर के साथ साथ थर्ड ईयर में भी जाएंगे, ठीक है, RCC में, वहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये आपका, अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आपका फ्यूचर में भी कई सब्जेक्टों में ये काम देगा। तो आप लोग इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को काफी अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इससे प्रश्न जरूर ही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें हमें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, बीम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, बीम। तो नाम सुना होगा आपने धरन, या गांव में इसको, जो अगर बीम जानते होंगे, घरों में बनते हैं, ठीक है। तो बीम होती क्या है, ठीक है, बीम होती क्या है, बीम मतलब एक संरचनात्मक अंग है, किसी भी स्ट्रक्चर का एक संरचनात्मक अंग है, जो कि समान अनुप्रस्थ काट वाली होती है, समान अनुप्रस्थ काट का। जैसे अगर हम बात करते हैं कि यह एक संरचना बना रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है, देखिएगा, आराम से देखते रहिए। तो पहले इसकी परिभाषा हम लोग देखते थे, परिभाषा क्या है, धरन, इसको बीम बोलते हैं। धरन समान काट वाली छड़ है, एक क्या है, छड़ है,
जिस पर कार्य करने वाले सभी बल या बलयुग्म छड़ के लंबाई की अक्ष से गुजरने वाले समतल में होते हैं। यानी अगर यह क्या है, पहले क्या है, धरण कैसा होता है, समान काट वाला होता है। तो यानी देखिए यहां पर भी जितना इसका अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शन है, हर पॉइंट पर इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, समान होगा। और इसकी जो भार जो इस पर काम करता है, क्योंकि संरचना तो बीम है, बीम पर भार आएगा और भार हमेशा क्या कैसे करेगा, इसकी लंबाई की अक्ष कौन सी, ये लंबाई है, तो लंबाई यह है तो इसकी अक्ष यही जाएगी, इस प्रकार से लंबाई की अक्ष होगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये लंबाई की अक्ष है। अब लंबाई की अक्ष के लंबवत ही हमेशा क्या करेगी, जो भार है ऐसे इस वाले काट में हमेशा इस प्रकार से काम करती है, यानी कि ऐसे काम करेगी हमेशा, लंबाई का जो अक्ष है इसके हमेशा परपेंडिकुलर ही लोड काम करेगा। तो यही लिखा हुआ है कि धरण समान काट वाली छड़ है। क्या है, समान काट वाली छड़, जिस पर कार्य करने वाले सभी बल, जितने भी बल इस पर काम करेंगे या बलयुग्म काम करेंगे, लंबाई की अक्ष से, जो लंबाई की अक्ष से गुजरने वाले समतल, यानी जो ये लंबाई की अक्ष से गुजरने वाला जो समतल में होते, यानी कि लोड हमेशा क्या करेगा, इस प्रकार से काम करते हैं। तो अब हमेशा इतना ध्यान रखेंगे कि धरण पर जो भार, उसी भार को लेते हैं जो हमेशा क्या करता है, लंबवत लगता है। जैसे अगर कोई भी भार हम तिरछे लगा रहे हैं इस पर, तो हम इस वाले भाग को ना लेकर के हम इसको विभाजित कर लेते हैं दो कंपोनेंट में, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से विभाजित कर लेते हैं, तो एक तो यह हो गया, ठीक है, और एक यह हो गया। तो हम इस वाले को हमेशा किसको लेते हैं, हमेशा इस वाले कंपोनेंट को लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि धरण पर जो लोड होता है हमेशा कैसे काम करता है, लंबवत काम करता है। अब इसी धरण के पर, क्योंकि ये धरण है, तो धरण कहां पर होता है, किसी न किसी टेक पर रखा होता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट पर रखा होता है, दीवार पर रखा होता है। तो हम अब इस धरण के बाद अब हम देखेंगे कि जब धरण है तो धरण को कहां पर रखते हैं, हम लोग सपोर्ट देते हैं, धरण को क्या देते हैं, सपोर्ट देते हैं। तो अब सपोर्ट हम पढ़ेंगे कि सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जैसे अब धरण है, धरण को हम तो हवा में तो रखेंगे नहीं, हम इसको कहां पर रखेंगे, किसी न किसी सपोर्ट पर रखेंगे। तो अब सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं इनको हम लोग देखेंगे। उम्मीद है कि आपको धरण समझ में आ गया होगा। अब हम लोग धरण की टेकें, यानी धरण जो होता है उसको कितनी प्रकार की टेकों पर हम लोग रखते हैं, तो इसको सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए चार प्रकार की सपोर्ट होती हैं। पहला है सरल टेक, जिसको सिंपल टेक भी बोलते हैं। दूसरा है रोलर टेक, ठीक है, रोलर सपोर्ट। तीसरा है कब्जेदार या पिन टेक, हिंज और पिन सपोर्ट। और चौथा है आबद्ध टेक, फिक्स्ड और बिल्ट इन सपोर्ट, इसको यानी कि आबद्ध टेक। अब इसको हम लोग आइए डिटेल में समझते हैं कि सरल टेक क्या होता है, रोलर टेक क्या होता है, फिक्स टेक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सरल सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट को देखते हैं, ठीक है। सिंपल सपोर्ट क्या होता है, ठीक, क्योंकि देखिए जब आप लोग इसको आराम से समझे रहेंगे तभी आप लोग सवाल कर पाएंगे, और यहां से सवाल कंफर्म है कि आता ही आता है। तो अब आइए सिंपल सपोर्ट को समझते हैं कि सिंपल सपोर्ट क्या होता है। तो यहां पर जैसे बीम है, अगर यह दीवार मान लें, क्या मान लेते हैं, क्योंकि हम सपोर्ट को कहां रखते हैं, दीवार पर ही, दो दीवारों के बीच में यह दीवार है, ठीक है, इस प्रकार से हम रख दें। और हम इस पर क्या करते हैं, इसी के दीवारों के दीवार पर ही हम क्या रखते हैं, बीम को इस प्रकार से रखते हैं। और इसको अगर हम क्या करें, सिर्फ ऐसे ही रख दें, जैसे अगर मान लेते हैं यह इस प्रकार से एक है
और एक इस प्रकार से, और इसी के ऊपर बस हम इस प्रकार से अगर दो एक टेक यह हो गया मान लेते हैं और एक टेक यह हो गया और इसके ऊपर हमने इसको इस प्रकार से रख दिया। तो अब इस कंडीशन में यह जो टेक है, क्योंकि टेक पर क्या उत्पन्न करता है, यह प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, रिएक्शन, ठीक है। तो अब यह कितने प्रकार के रिएक्शन दे सकता है, अगर हम इस पर इस प्रकार से लोड लगाएं वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल अगर हम इस पर लोड लगाएं तब ये क्या नीचे से मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा, ठीक है, नीचे से रिएक्शन मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको क्या करें, इस प्रकार से इसको ढकेले या इधर से रिएक्शन मिलेगा, अगर क्योंकि ये सिर्फ रखा गया है इस पर क्या किया गया है, रखा गया है, तो ये सिर्फ ऊपर से आने वाले लोड को क्या करेगा, रिएक्शन देगा, वहन करेगा। अगर हम इधर से करेंगे क्योंकि ये सिर्फ रखा है तो ये क्या करेगा, आगे की तरफ मुंह कर जाएगा, और अगर हम इधर से भी करेंगे तभी ये मुंह कर जाएगा। अगर हम क्या करें, इसको इस प्रकार से इसको मोमेंट दें तो भी क्या होगा, तभी ये क्या होगा, इसमें रिएक्शन नहीं देगा। तो इस प्रकार से सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, सिर्फ एक रिएक्शन होता है, क्या होता है, रिएक्शन सिर्फ एक ओबी का होता है, वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली सिर्फ रिएक्शन होता है, समझ पा रहे कि नहीं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपल सपोर्ट है, उसमें रिएक्शन कितने होते हैं, सिर्फ रिएक्शन एक ही होता है, वो क्या होता है, वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन, क्योंकि ये सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन दे देगा, क्योंकि ये सिर्फ रखा गया है। अगर हम इसमें मोमेंट देंगे या इसके बगल से भी देंगे तो क्या होगा, इसमें मूवमेंट होने लगेगा, रिएक्शन नहीं मिलेगा, इसमें केवल एक रिएक्शन होता है। फिर दूसरा है रोलर टेक। अब रोलर टेक का मतलब ये है, जैसे आप हॉस्पिटल में या ऐसे कहीं देखे होंगे जो जिसमें रोलर लगे होते हैं, जैसे जिस पर कि मरीज को ले जाते हैं, इस प्रकार से जो होता है देखे होंगे आप, ठीक है, इस प्रकार से जो होता है, ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या लगे होते हैं, इसमें रोलर लगे होते हैं। तो अब ये जो अगर देखें तो ये क्या करता है, रोलर टेक भी क्या करता है, ये सिर्फ वर्टिकल लोड को ही ये क्या करता है, सिर्फ रिएक्शन मिलता है, ये स्थिर रहेगा, साम्यावस्था में रहेगा। अगर हम थोड़ा सा लोड इधर से भी अगर इस पर क्या कर दे, फोर्स लगा दे, तो भी क्या हो जाएगा, इसमें मोमेंट हो जाएगा। अगर हम इधर से भी क्या करें, इसमें थोड़ा सा भी अगर फोर्स लगाएं तो भी मूवमेंट होगा, रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो इसमें भी क्या होता है, रोलर टेक में भी अगर क्या है, रोलर टेक मतलब क्या, तो अगर रोलर सपोर्ट पर कोई भी वस्तु रुकी है तो उसमें रिएक्शन सिर्फ क्या, एक ही मिलेगा, यानी कि एक ही तरफ से हम लगाएंगे तो साम्यावस्था में रहेगा, अन्यथा वह क्या होगी, साम्यावस्था में नहीं रहेगी। तो इसमें भी रिएक्शन कितने मिलेंगे, एक, वो भी क्या, वर्टिकली। अब कब्जेदार या पिन टेक, कब्जेदार या पिन टेक। अब कब्जेदार का क्या होता है, जैसे दरवाजे लगे हो, खिड़कियां लगी हो, एक कौन सा सपोर्ट इनको होता है, एक पिन सपोर्ट होता है। तो इनको किस प्रकार से दिखाई देते हैं, दर्शाते हैं, इस प्रकार से है, ठीक है, पिन, ठीक है, पिन, सॉरी, अब रोलर टेक हो गया। फिर इसके बाद है कब्जेदार या पिन टेक, तो इसको हम इस प्रकार से, कब्जेदार या पिन टेक को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब इस प्रकार से है अगर, तो अब इसमें क्या होगा, यहां पर पिन लगा हुआ है, तो अब ये तो वर्टिकल लोड बियर ही करेगा, इसके प्रति साम्य अवस्था में रहेगा, ठीक है। साथ में अगर हम ऐसे भी अगर करेंगे तब भी ये क्या होगा, यानी कि तब भी ये रिएक्शन देगा, क्योंकि यहां से अब आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर पिन है, जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या है, रखा गया है, इस पर हम लोड देंगे तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन यहां पर ये हिंज कर दिया गया है, पिन कर दिया गया है, तो जैसे दरवाजा ही है, उसको आप खींचेंगे इस प्रकार से तो क्या वो रिएक्शन नहीं देगा, रिएक्शन देगा, और उसको ऊपर से भी हम क्या करेंगे, दबाएंगे, तब भी वो क्या करेगा, रिएक्शन देगा। लेकिन अगर हम इसको मूवमेंट दें, घुमाएं, तो ये क्या हो सकता है, दरवाजा देखते हैं घूम सकता है, तो ये रिएक्शन इसमें क्या होती है, दो रिएक्शन होते हैं,
इसमें कितने रिएक्शन, एक तो वर्टिकल एक तो हॉरिजॉन्टल ये मिल जाता है, लेकिन ये क्या करता है मूवमेंट करने लगता है। तो इसमें भी क्या मिलते हैं आपको पिन या दो जो है कि रिएक्शन इसमें मिलते हैं। फिर इसके बाद है आबद्ध टेक, फिक्स टेक। अगर हम क्या करें इसको जैसे यह है, अब हम इसको क्या करें दीवार में ही बीम को फिक्स करते हैं। अब फिक्स कर दिए, अब जब फिक्स है तो इसका मतलब जैसे कि जो है कि शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि आबद्ध, आबद्ध मतलब जो चारों तरफ से बद्ध हो। तो इसमें क्या है ना ऊपर से भी अगर हम लोड देंगे तभी ये आराम से ये वाहन कर लेगा, इधर से भी हम अगर फोर्स लगाएंगे या लोड देंगे तब भी ये आराम से अपनी साम्यावस्था में रहेगा, और इस पर मोमेंट देंगे तब भी क्या होगा ये अपनी साम्यावस्था में रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें रिएक्शन हमको तीनों तरफ से मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम समझे सपोर्ट, सपोर्ट में कितने रिएक्शन मिलते, क्योंकि जब हम सवाल लगाएंगे तो उसमें रिएक्शन निकालना बहुत जरूरी रहेगा, तब जाकर के आप सिंपली सपोर्टेड यानी कि सिंपल SFD और BMD खींच पाएंगे। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बीम क्या होता है, बीम जो है कि जिस पर रखा जाता है, टेक कितने प्रकार के होते हैं, उनमें रिएक्शन कैसे हम निकालते हैं। तो फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपल सपोर्ट है तो वो क्या होगा सिर्फ इस प्रकार से दीवार पर रख दिया जाएगा, तो इसमें रिएक्शन क्या होगा सिर्फ वर्टिकली रिएक्शन ये देगा। अगर हम बात करते हैं रोलर टेक भी क्या होता है उसी टाइप का, सिंपल सपोर्ट टाइप का ही, और उसमें भी रिएक्शन एक ही मिलता है। अब हम बात करते हैं कब्जेदार या पिन हिंजदार, पिन सपोर्ट, ये क्या होता है, ये इस टाइप से होता है, इसमें दो रिएक्शन मिलते हैं। अगर बात करते हैं आबद्ध टेक, फिक्स और बुल्ट और सपोर्ट, इसमें क्या होता है दोनों तरफ इसका जो है कि सिरे बद्ध होते हैं, इसमें रिएक्शन के मिलते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि आप एक दिन में थोड़ा ही पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। तो रेगुलर आप लोग पढ़ते रहिए, जहां पर नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट करिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक शेयर करिए, सपोर्ट करिए इस चैनल का। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, इससे और आगे का जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए, धन्यवाद।